यूपी की तर्ज पर एमपी में भी दुकानों पर दुकानदार के नाम लिखे होने की मांग अब होने लगी है। इंदौर में बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा और मांग की है कि दुकान पर मालिक के नाम लिखने के लिए नियम बनाए जाएं। उनकी माने तो दुकान के बाहर मालिक का नाम लिखने से दुकानदार की गुडविल बनेगी। तो बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला ने भी यूपी की तर्ज पर एमपी में दुकानों के बोर्ड पर मालिक के नाम लिखने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जहां जहां से कांवड़ यात्रा निकलेगी उस रास्ते के दुकानों पर मालिक का नाम लिखा होना चाहिए। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दुकानों पर मालिक का नाम लिखा नहीं मिला तो अपने हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। यूपी के मुख्यमंत्री से सहमत हूँ, योगी जी से। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी है। हमारी कांवड़ यात्रा जिस मार्ग से निकले उस मार्ग के बाहर जितने भी बोर्ड लगे हैं उन बोर्डों पे आइडेंटिटी होना आवश्यक है कि वहाँ उनका नाम, उनकी दुकान का नाम और उनका पता कि ये राजेंद्र दीक्षित है, फलाना इसकी दुकान है, उसमें बुराई क्या है। नाम लिखा होना चाहिए। और किसी ने अगर छुपाया तो फिर? छुपाया तो फिर उससे निपटेंगे अपने तरीके से। मांस मटन की दुकान को भी प्रतिबंधित, जिस मार्ग से कांवड़ यात्रा निकल रही है उस मार्ग से मांस की दुकानों पे कम से कम वो दुकानें पूरी तरह से ब्लैक कांच, काले कांच या पर्दे से ढकी होना चाहिए। इंदौर में दुकानों पर दुकान मालिक का नाम लिखने की मांग पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि दुकानों के बाहर प्रोप्राइटर का नाम लिखा होना चाहिए और ऐसा नियम कि दुकानदार का नाम लिखा हो। उनकी माने तो अगर प्रदेश में नियम बनता है तो ये अच्छी बात है कि अपनी स्वयं की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने में किसको आपत्ति है। नियम में भी किसी भी दुकान के बाहर आपको प्रोप्राइटर का नाम लिखना है तो अपने संस्थान का नाम और प्रोप्राइटर का नाम यदि लिखते हैं तो अच्छी बात है। पता रहे ना, मान लो किसी ग्राहक के साथ कोई धोखाधड़ी हो, ग्राहकों के नियम का उल्लंघन हो, तो वो ग्राहक किस प्रोप्राइटर को नोटिस दे ये मालूम होना चाहिए। और अगर रमेश मेंदोला जी ने इस बात के नियम नहीं है और नियम बनाने के लिए चिट्ठी लिखी है तो ये स्वागत योग्य है। इंदौर में बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ का बयान सामने आया। दुकानों पर नेम प्लेट की मांग को लेकर समर्थन उन्होंने किया है। गंदे तरीके से खाना परोसा जाता है। मालिनी गौड़ ने यह भी कहा, पहचान होनी चाहिए, नाम लिखने का फैसला हो। कुछ लोग नाम बदलकर लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं। हिंदू त्योहारों पर मीट दुकानें भी बंद होनी चाहिए। यह भी बात कही गई है, यह भी बड़ा बयान दिया गया है। खुला बोल रही हूं कि जिस तरह से दुकानों पर अपना नाम छुपाकर जो दुकानें चला रहे हैं उन पे भी एक्शन होना चाहिए। और मांस मटन की जो दुकानें खुली दुकानें जो बिल्कुल ओपन तरीके से लोग बेचते हैं उसको कवर्ड करने का निर्देश भी जारी किया था, तो वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली होना चाहिए। और नाम की पहचान तो होना ही चाहिए। हर चीज़ पे थूक डालकर जो बेचते हैं उसमें सभी लोगों को सतर्क रहना चाहिए। खासकर बेटियों से निवेदन करती हूँ कि इनके जाल में ना फंसे। जिस प्रकार से अपना नाम छुपाकर जो बरगला कर बच्चियों को ले जाते हैं, प्रेम जाल में फंसाते हैं, उनको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। और इस बीच दुकानों पर मालिक का लिखने को नाम लिखने को लेकर एमपी की सियासत गर्मा गई है। रमेश मेंदोला के पत्र पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने सीएम को पत्र लिखा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जाति धर्म की राजनीति कर रही है। इसी के साथ ही उन्होंने एमपी में यूपी मॉडल की मांग को चिंता का विषय बताया है। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक द्वारा की गई ये मांग ये बेहद आपत्तिजनक मांग है। और इसका कारण ये है कि आप देखें कि दलितों के खिलाफ आज भी इस समाज में पूर्वाग्रह जो है मौजूद है। कई जगह हमने ऐसी देखी जहां मिड डे मील तक में भी क्योंकि दलित समाज की महिलाओं ने वो भोजन बनाया तो उसको खाने से बच्चों ने मना कर दिया है। और लगातार दलितों के द्वारा जो भोजन बनाने वाली संस्थाएँ हैं कई बार उन्हें पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैंने ये पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ये जो मांग की है ये मांग गलत है,